इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री. बचपन में ही आपने सुना होगा कि तीन तरफ पानी और बीच में जमीन हो एक तरफ, तो इसको बोलते हैं पेनिनसुलर. तो आज के इस छोटे से नन्हे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि भारत के अंदर कौन कौन सी नदियां जो है वो पश्चिम से लेके पूर्व की ओर जो है फ्लो करती है, यानी कि फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट साइड. तो भारत के अंदर ऐसी कितनी नदियां हैं, तो बड़ी बड़ी नदियों की अगर बात करें तो भारत के अंदर ऐसी 9 नदियां हैं, और आज इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो मैं करदम रावल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स में. तो पहली नदी है महानदी. नाम ही इसका ऐसा है कि महानदी, ये बहुत ही बड़ी नदी है और ये फ्लो करती है छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा, ओडिशा से ईस्टर्न घाट से होते हुए ये चली जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर. इसके किनारे पर जो फेमस प्रोजेक्ट है इसका नाम है हीरा कुंडम, जो काफ़ी चर्चा में रहा है, और इसका जो ओरिजिन स्थान है वो दंडकरणीय हिल है रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहाँ से है. दूसरी नदी है गोदावरी नदी. इसका जो उद्भव स्थान है काफ़ी पावन और पवित्र जगह त्र्यंबकेश्वर के यहाँ पर ये स्टार्ट होती है नासिक के अंदर वेस्टर्न घाट में. ये एक सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर के तरीके से भी जानी जाती है, जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक फ्लो करती है. इसके और अलग अलग नाम भी है. दक्षिणी गोदावरी को दक्षिणी के नाम से जाना जाता है और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है. ये नासिक से होते हुए आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आ जाती है. तो इसकी जो फेमस ट्रिब्यूटरीज है वो है पैन गंगा, सबरी, वर्धा और इंद्रवती. इसके किनारे पर यानी कि गोदावरी नदी के किनारे पर जो फेमस प्रोजेक्ट्स है उसके नाम देख लेते हैं. पंचमपाद, झायकवाड़ी, पोलावरम. उसके बाद जो तीसरी नदी है इसका नाम है पैन गंगा, जो अजंता की हिल्स महाराष्ट्र के अंदर, जो आपको नाम पता ही होगा अजंता इलोरा काफ़ी फेमस प्लेस है महाराष्ट्र के अंदर. तो अजंता हिल से पैन गंगा शुरू होती है और ये जो है ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है. इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज है वर्धा रिवर, जो फाइनली गोदावरी को मीट कर लेती है आगे जाके. चौथी नदी है कृष्णा, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से शुरू होती है और ये फ्लो करती है महाराष्ट्र से होते हुए आंध्र प्रदेश और पूरे आंध्र प्रदेश को क्रॉस करने के बाद ये आ जाती है बे ऑफ बंगाल के अंदर. उसके बाद इसी के किनारे पर यानी कि कृष्णा नदी के किनारे पर जो फेमस प्रोजेक्ट्स है इनके नाम है कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर डैम. जो नागार्जुन सागर डैम है वो काफ़ी चर्चा में रहा हुआ विषय है. उसके बाद आती है फिफ्थ रिवर तुंगभद्रा. ये कृष्णा की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है और ये वेस्टर्न घाट से शुरू होते हुए बे ऑफ बंगाल की ओर आगे बढ़ती है. उसके बाद जो रिवर है वो है भीमा, जो बालाघाट है महाराष्ट्र के अंदर, बालाघाट रेंज वहाँ से शुरू होती है और ये भी भीमा भी कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है और बाद में ये बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है. उसके बाद आती है कावेरी रिवर. जो कावेरी रिवर है उसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, इतिहास बहुत ही पुराना है इसका. 19th सेंचुरी से इसके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं और अभी हाल ही के अंदर गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट के तहत एक कमेटी भी बनाई है, कावेरी वाटर रिवर मैनेजमेंट कमेटी. तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं. ये ओरिजिन करती है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका की वेस्टर्न घाट्स की जो है वहाँ से, और ये फ्लो करती है कर्नाटका से कावेरीपट्टनम आती है और बाद में जो है ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है. ये इवन केरला को भी थोड़ा सा पानी देती है, तमिलनाडु को भी पानी देती है, कर्नाटका को भी पानी देती है और ये पौंडुचेरी को भी यानी कि पुडुचेरी को भी पानी देती है और अंत में जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाके समंदर में विलीन हो जाती है. ये एक पेरेनियल रिवर है यानी कि 12 महीने तक कावेरी रिवर फ्लो करती है और ये एक वाटरफॉल भी फॉर्म करती है शिव सुंदरम नाम की जगह पे. कावेरी नदी के किनारे जो फेमस प्रोजेक्ट है उसके नाम है कृष्णराज सागर और मेतूर. उसके बाद में जो आठवीं नदी है इसका नाम है पैनर. तो ये कर्नाटका से शुरू होती है और ये कृष्णा और कावेरी दोनों रिवर की बीच में से फ्लो करती है. तो याद रखिए, कहीं पर भी पूछा जा सकता है कौन सी रिवर जो है कृष्णा और कावेरी के बीच में फ्लो करती है, तो ये है पनार और ये बाद में बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है. और लास्ट में नौवीं नदी है इसका नाम है वैगई. ये वैगई रिवर जो है ये पालनी हिल से शुरू होती है तमिलनाडु से और ये एक सीजनल रिवर है यानी कि मॉनसून आने पर ये जो है एक्टिव रहती है और जो समर का टाइम पीरियड है इसके अंदर ये फ्लो नहीं करती है.
तो तमिलनाडु के अंदर ही ये फ्लो करते रहती है और ये ड्रेन हो जाती है गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर। तो ऐसी छोटी वीडियो के अंदर उम्दा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको हमारी चैनल यानी कि यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो और कंटेंट और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइए और ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।